अबीला की नई नई शादी हुई थी। उसने अपने ससुराल में देखा कि रात के 11 बजे के बाद अगर किसी को घर के बाहर जाना पड़ता तो वो बैसाखियों के सहारे जाता। गांव के सभी घरों में बैसाखियां थीं। अबीला ने अपने पति मनोहर से पूछा, पैर सही सलामत होने पर भी गांव के लोग रात में बैसाखियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? रात में 11 बजे के बाद गांव में कटे पैरों वाली भूतनी घूमती है। भूतनी बैसाखियों से चलने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर उसके सामने कोई ऐसा आदमी पड़ जाए जो अपने पैरों से चल रहा हो तो भूतनी को अपने कटे हुए पैरों की याद आ जाती है, वो रोने लगती है और फिर अपने पैने दांतों से उस आदमी के पैर भी काट देती है। इसलिए रात में बिना बैसाखियों के भूल से भी बाहर ना जाना। रात के समय एक लड़का गांव की सुनसान सड़क पर बैसाखियों के सहारे चल रहा है। एक तो दिन भर काम करो, फिर इन बैसाखियों के सहारे घर लौटो। इस तरह घर पहुंचने में ही घंटे भर से ज्यादा लग जाता है। हटा, आज इन बैसाखियों को फेंक ही देता हूँ। लड़का बैसाखी को फेंक देता है और पैदल चलने लगता है। तभी चुड़ैल वहाँ आती है। चुड़ैल लड़के को पैदल चलता देख बुरी तरह रोने लगती है। अबीला और मनोहर सो रहे थे तो कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलो जल्दी मनोहर। मनोहर दरवाजा खोलता है। क्या हो गया चाची? चुड़ैल मेरे बेटे के पैर काट कर ले गई। वो पुराने कुएं की तरफ गई है। कोई गांव वाला डर के मारे मदद के लिए घर से बाहर नहीं आ रहा। कोई कुछ तो करो, मेरा बेटा लंगड़ा हो गया। मनोहर तुरंत बैसाखियां उठाता है और बैसाखियों के सहारे तेजी से पुराने कुएं की तरफ जाता है। मनोहर को काफी दूर चलने पर चुड़ैल पैर ले जाते हुए दिखाई देती है। जब तक वो पुराने कुएं पर पहुंचता है, भूतनी गायब हो चुकी थी। एक दिन अबीला की बहन गरिमा अबीला के घर घूमने आती है। हाय दीदी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तू बता, तेरी पढ़ाई लिखाई तो ठीक चल रही है? हाँ दीदी, इस बार मैंने फिर से कॉलेज में टॉप किया है। गरिमा की नजर घर पर रखी बैसाखी के ऊपर पड़ती है। दीदी, तुम्हारे घर में बैसाखियाँ कौन इस्तेमाल करता है? अबीला गरिमा को भूतनी के बारे में बताती है। मतलब गांव में एक भूतनी है जिसके पैर कटे हुए हैं, और अगर वो बिना बैसाखियों के किसी को देख ले तो वो अपने दांतों से उसके पैर भी काट देती है। अच्छा मजाक है। ये मजाक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही भूतनी एक लड़के की टांगे काट कर ले गई थी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, गांव वालों ने झूठी कहानियाँ बनाकर तुम्हें डराया है। मुझे पता है वो अपने मनोरंजन के लिए ऐसा करते होंगे, लेकिन मैं इन कहानियों से नहीं डरने वाली। मैं रात में बिना बैसाखियों के घूमूंगी, देखती हूँ वो भूतनी मेरे पास आती है या नहीं। अबीला और मनोहर गरिमा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गरिमा उनकी बातों को मजाक समझकर ध्यान नहीं देती। एक रात करीब 12 बजे वो खिड़की से कूदकर गांव में घूमने लगती है। भूतनी भी उसी समय गांव में घूम रही थी। भूतनी जब गरिमा को अपने पैरों पर चलता देखती है तो अपने कटे पैर देखकर रोने लगती है। उस जालिम शामनाथ ने मेरे पैर काट डाले। भूतनी अपने नुकीले दांतों से गरिमा के पैर चबाकर काट देती है और गायब हो जाती है। सुबह गांव का एक आदमी अबीला के घर आकर खबर देता है कि उसकी बहन
चौराहे पर बेहोश पड़ी है। मनोहर और अबीला तुरंत चौराहे पर पहुंचते हैं और गरिमा को अस्पताल में भर्ती कराते हैं। मैंने मना किया था ना, अब तू अपनी जिंदगी कैसे जिएगी? रोना धोना बंद करो दीदी, इंसान को जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं बैसाखियों के सहारे चल सकती हूँ। वो चुड़ैल किसी श्यामनाथ का नाम ले रही थी। मैं उस चुड़ैल के बारे में पूरी तहकीकात करके ही रहूंगी। गरिमा बैसाखियों के सहारे ही पूरे गांव में घूमती है और श्यामनाथ के बारे में पता करती है। गांव के बाहर कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर उसे एक बूढ़ा बैठा हुआ मिलता है। बूढ़ा जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहा था। ले गई, तेरे पैर भी ले गई, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। गरिमा पहले तो उस बूढ़े को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर किसी तरह हिम्मत करके उससे कहती है, बाबा क्या आप श्यामनाथ नाम के किसी आदमी के बारे में कुछ जानते हैं? ये करीब 40 साल पहले की बात है। गांव में श्यामनाथ नाम का एक लकड़हारा रहता था। एक दिन वो आदिवासियों के कबीले से किसी लड़की का अपहरण करके ले आया। उसने लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली। लड़की बार बार उसके घर से भागने की कोशिश करती थी। श्यामनाथ उसकी बहुत पिटाई लगाता था। एक दिन जब लड़की उसके घर से भागने की कोशिश कर रही थी, तो गुस्से में श्यामनाथ ने अपनी कुल्हाड़ी से लड़की के पैर ही काट डाले। फिर कुछ दिनों बाद वो लड़की आत्महत्या करके मर गई। उस लड़की की आत्मा ही गांव में भटकती है और लोगों को परेशान करती है। गरिमा सारी बात जाकर गांव वालों को बताती है। आज रात हम सब बिना बैसाखियों के चौराहे पर खड़े होंगे और चुड़ैल से माफी मांगेंगे। आखिर कब तक तुम लोग इस तरह बैसाखियों का सहारा लेते रहोगे? आधी रात को चुड़ैल आती है और वो इतने सारे लोगों को बिना बैसाखियों के खड़े हुए देखती है। चुड़ैल रोने लगती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, हम सभी गांव वाले उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन तुम निर्दोष लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? एक आदमी की गलती के लिए सभी गांव वालों को सजा देना उचित नहीं है। जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था तो गांव वाले चुप क्यों बैठे रहे? सभी गांव वालों के सिर शर्म से झुक जाते हैं। मैं वादा करती हूँ, अब से गांव में किसी के ऊपर कोई भी अत्याचार होगा तो सभी गांव वाले उसका विरोध करेंगे। लेकिन हमारे पैर वापस कर दो। श्यामनाथ का घर आज तक बंद पड़ा हुआ है। पहले वहाँ जाकर शांति यज्ञ कराओ ताकि मेरी भटकती आत्मा को शांति मिल सके। और याद रखो, अत्याचार करने वाला जितना दोषी होता है, अत्याचार देखने वाला भी उतना ही दोषी है। इसीलिए किसी भी तरह के अत्याचार का मिलकर विरोध करना सीखो। सभी गांव वाले श्यामनाथ का पुराना घर खुलवाते हैं। वे घर में शांति यज्ञ करवाते हैं। तब जाकर लड़की की आत्मा को शांति मिलती है और गांव के लंगड़े लोगों के पैर फिर से ठीक हो जाते हैं।